हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुखालिफ आवाजों पर तंज की बजाय कोरोना पर तवज्जो दें। इस नाजुक मोड़ पर सियासत और सियासी इल्जाम तराशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो की वफाक पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं इतनी मेहनत कोरोना पर बेदारी के लिए की जाए तो वक्त और वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नामवर सहाफियों को सोशल मीडिया पर गालियां देने और निशाना बनाने की मुहिम की मजम्मत करते हुए कहा कि सहाफियों को गालियां देने के ट्रेंड हुकूमत के नाकेदीन को खामोश कराने के लिए एक और हमला है। गालियां देकर सहाफियों को पैगाम दिया जा रहा है कि या तो वो खामोश रहें या खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुखालिफ आवाजों पर तंज के बजाय कोरोना पर तवज्जो दें। इतनी मेहनत कोरोना पर बेदारी के लिए की जाए तो वक्त और वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। बिलावल का कहना था कि इन गैर मामूली हालात में मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है, लिहाजा कोरोना वायरस के बदतरीन चैलेंज से निमटने के लिए हमें यकजा होने की जरूरत है। इस नाजुक मोड़ पर सियासत और सियासी इल्जाम तराशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।